क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा तोमर है। पूजा जी, कल क्या हुआ था, मामला पूरा बताइए। कल मामला तो मैं चार बार बता चुकी हूँ, और दूसरी बात ये बता रही हूँ कि जो कन्नौज के बहुन तिवारी जो हैं, ठीक है, और कुछ बड़े बड़े नेता जो समाजवादी पार्टी के जो बने हुए बैठे हैं, ठीक है, उनकी बदौलत मान लीजिए जो नवाब सिंह आज इस मोड़ पर पहुँचे हैं। बाकी और भी किसी लोगों के नाम की आवश्यकता आपको पड़ेगी तो मैं समय आने पे बहुत जल्दी आप लोगों को बताऊंगी कि किन किन लोगों ने ये कार्य करवाया है। कल क्या हुआ था, कल क्या हुआ था, कल क्या बताइए, कल की घटना के बारे में। कल रात में बताइए क्या हुआ था, कल की घटना के बारे में ही बता रहे। कल रात में क्या हुआ था वो पूरा बताइए, कल से लेकर अभी तक आराम से बताइए, पूरा बताइए क्या हुआ था। मैं सारी चीज़ों को मैं पहले ही बता चुकी हूँ आप लोगों को, अभी नहीं बताया, एक बार बता दीजिए। आप जब वहाँ मौके पे थी तो पुलिस अचानक से आ जाती है, आप लोग बैठे हुए थे, फिर मैं क्या बैठी हुई थी, मैं बात कर रही थी, पुलिस अचानक आ जाती है, लेकिन फिर भी पुलिस से लड़की बताती है जो चीज़ें लड़की बताती है वो चीज़ पुलिस वाले नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन उस पर ज़बरदस्ती उसके मेरे से लड़की से मिलने नहीं दे रहे हैं, जैसे कि मैंने ही बहुत बड़ा जुल्म कर दिया है। ये बताइए कल आप कैसे पहुँची वहाँ पर, 1 बजे रात में कैसे पहुँची? 1 नहीं बज रहा था, मैं लखनऊ से आ रही थी, 10:30 बज रहे थे उस समय, 11 बजे का टाइम था, मेरी बात हुई से नवाब भैया से, तो मेरे को घर भी जाना था, लेट हो रही थी, ऑटो था नहीं, बोले मैं गाड़ी से भिजवा दूंगा, आप 10 मिनट के लिए आ जाइए, क्योंकि इनकी माताजी एक्सपायर हो गई थी, तो मैं माताजी के ख़त्म होने पे भी नहीं आ पाई थी। और ऐसा नहीं है कि हमारी इनसे पुरानी दुश्मनी है, कोई दुश्मनी हमारी इनसे नहीं है, बाकी हम आज 8-9 सालों से संपर्क में हैं और हमारी बात भी होती है। ये लड़की आप ही के साथ में थी? हाँ, ये लड़की हमारे साथ में थी, हम लोग लखनऊ से वापस लौट रहे थे, तो लड़की को अकेला नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए मैंने सोचा 10 मिनट के लिए मैं बात कर लेती हूँ, मिल लेती हूँ, इसके बाद में भैया मुझे गाड़ी से छुड़वा देंगे। रिलेशन में क्या लगती है आपकी? हमारी भतीजी है। भतीजी लगती है, फिर उसके बाद इसने बाहर जाके फोन उन कैसे कर लिया, ये कैसे हुआ? बाहर जाके फोन कैसे कर लिया मुझे नहीं पता, मैं बैठी हुई थी चेयर पे, मैं बात कर रही थी, उसने बोला कि मुझे मम्मी से बात करनी है, तो मैंने बोला मम्मी से बात करनी है तो कर लो, उसने कैसे 100 नंबर पे फोन किया मैं नहीं समझा। अच्छा, जब आपके पास से गई है तो ये कपड़े पूरे पहने हुई थी या नहीं पहनी थी? मेरे पास से गई है, आपसे फोन लेके गई है। बताया जा रहा है कुछ मानसिक तौर से भी बीमार रहती है लड़की है? नहीं, मानसिक तौर से तो कुछ बीमार नहीं है, बाकी हाँ थोड़ा सा ये है कि अगर कोई कुछ भी उसको भड़का देता है थोड़ा सा, तो उसकी बात में वो मान लेती, बहुत जल्दी मानती है, अगर कोई भी फोन भी उसको चलाने, नहीं मैं क्यों भड़काऊंगी, मेरी तो भतीजी है, मैं ऐसा क्यों करूँगी। उसने आरोप क्यों लगाया? किस चीज़ का आरोप लगाया? फोन करके जो आरोप लगाया पुलिस को बोला कि उसने ये बोला कि मेरे साथ में छेड़छाड़ हुई है और मेरा टॉप निकाल दिया था, जबरदस्ती मेरा टॉप निकाल दिया था मेरा, मैं बाथरूम में हाथ पैर धोने के लिए गई थी उसी समय की ये घटना है, बोली मेरा टॉप निकाल दिया है, और तो मैंने बोला कि टॉप निकाल दिया तो कोई बात नहीं, रो मत, अब मम्मी से बात कर लो, तब मैंने उसको फ़ोन दिया था, मुझे नहीं पता कि उसने 100 नंबर पे फ़ोन कैसे किया। आज क्या हुआ जब मेडिकल कराने आए? मेडिकल कराने के लिए ना तो मुझे लड़की से बात करने दे रहे हैं कि लड़की से मैं कुछ बात कर लूँ, फिर इसके बाद में मम्मी पापा को भी घर से उठा कर के ले आए, मम्मी पापा से भी मुझे नहीं मिलने दे रहे हैं, मम्मी से भी बात नहीं करने दे रहे हैं। बहुत सारे, कुछ एक ही नेता नहीं है इसमें, एक ही लोग शामिल नहीं है, कम से कम 3 लोग हैं, वो भी पंडित हैं, उनके समय आने पे मैं आप लोगों को नाम बता दूंगी। तो क्या उन्होंने आपको भेजा था? नहीं, उन्होंने भेजा नहीं था मुझे, वो काफ़ी समय पहले हम लोग बातचीत होती है तो मैं मिली थी, तो बहुत समय पहले की बात है, करीब 6 महीने पहले की बात है इस चीज़ को। अभी चुनाव का समय आ रहा है, 24 का टाइम बहुत जल्दी आने वाला है, तो पता है कि बहुत सारे मेडक निकल के आ ही जाते हैं। तो जो ये नवाब सिंह को फंसाया गया है, बिल्कुल किसी तो किसी की तो साजिश है, किसी की नहीं, 3-4 लोगों की साजिश है, कुछ पॉलिटिकल जुड़ भी है जी, राजनीतिक ये आप ऐसे समझ लीजिए कि सपा वालों के ही कार्य हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं, अब आप कुछ समझ सकते हैं कि कन्नौज के अंदर सबसे बड़े लोग कौन है, 2-3 किसी से समय आने पे मैं आप लोगों को नाम बिल्कुल क्लियर करके बता दूँगी। किसी ने आपसे संपर्क किया था क्या? नहीं, संपर्क तो नहीं किया था, 4 महीने पहले मेरी बात हुई थी, किससे हुई थी, कैसे हुई थी मैं बता दूँगा। नहीं, ऐसा नहीं कि नवाब सिंह को कैसे फंसाया जाए, ऐसा नहीं हुआ था कि कैसे फंसाया जाए,